दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज के पार्ट में हम एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और साथ के ये भी जानेंगे कि हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड के कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले एक्सपेंडिचर मेथड के सबसे पहले क्वेश्चन को देखना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हमें कैलकुलेट करनी है जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब है कि आपको यहाँ जीडीपी फाइंड करनी है और मार्केट प्राइस पर भी निकालनी है और फैक्टर कॉस्ट पर, यानी आपको यहाँ जीडीपी एट एमपी निकालना है और इस केस में आपको जीडीपी एट एफसी फाइंड करना है। अब हम एक बार कॉम्पोनेंट्स को देख लेते हैं कि हमें कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी में हम सकल निवेश कहते हैं, जो 90 गिवन है। नेट एक्सपोर्ट यानी शुद्ध निर्यात गिवन है 10। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 5 गिवन है। डेप्रिसिएशन 15 गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें -5 गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें 350 गिवन है और गवर्नमेंट परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने 100 गिवन है। जब आप ये कंपोनेंट्स पढ़ रहे होगा ना, तो आपको यहाँ एक वर्ड दिख रहा होगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो आपको ये वर्ड पढ़ के समझ आ रहा होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर मेथड ही लग रहा है। फिर पिछले पार्ट में हम बात करके आ चुके हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे हम देश की नेशनल इनकम को निकालते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो सा भी मेथड आप लगाओगे ना, पहले आप उसका नाम लिख के और उसका फॉर्मूला एक बार शॉर्ट मेथड लिख लिख। दोस्तों यहाँ मैंने एक्सपेंडिचर मेथड लिख दिया है और उसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला भी लिख दिया है कि बेसिकली उसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है। जब आप पेपर में इसको करोगे ना, तो आप यहाँ पूरे प्रॉपर ढंग से फुल फॉर्म में पूरे फॉर्मूले को लिखना, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। अगर इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश में लिखना और हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में लिखना। अब वन बाय वन करके आपको ऊपर ढूंढना है कि इनकी वैल्यूज का क्या होगी। आपको पता था सी का मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब कंज्यूमर द्वारा किया गया खर्चा। तो हमें ये दे रखा है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर निजी उपभोग वह 350, तो हम यहाँ ये लिख लेंगे, ये हमें कितना दे रखा है 350 गिवन है। और आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट मतलब एक प्रोड्यूसर ने कितना पैसा लगाया। तो मैंने बताया था कि वहाँ हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेना होता है, बट यहाँ जो वर्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, इसका मतलब भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही होता है। तो हम इसको हम ले लेंगे कितना दे रखा है आपका 90 दे रखा है। अगला दे रखा है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो आपको सबसे 7 पॉइंट्स पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, वो कितना है 100, तो आपको वो भी लिख लेना है। अगला है एक्स माइनस एम, यानी यहाँ नेट एक्सपोर्ट होता है और नेट एक्सपोर्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10, तो आपको इसको लिख लेना है। इन सब की वैल्यूज को जब आप प्लस कर लोगे ना, तो आपका यहाँ जो क्वेश्चन में आएगा वो आएगा आपका जीडीपी एट एमपी, जो कि होगा आपका 550। और अगर आपका करोड़ में है तो आप इन ब्रैकेट में लिख के करोड़ जरूर लिख देना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। तो सर इसका ए पार्ट हमारा हो चुका है, जिसमें हमें जीडीपी एट एमपी निकालना था। तो हमने जीडीपी एट एमपी कितना निकाला, वो हमारा आया 550 हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया। अब हम जीडीपी एट एमपी से ही जीडीपी एट एफसी भी निकाल लेंगे। तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो जीडीपी एट एफसी की हमें वैल्यू नहीं पता, और जिसकी वैल्यू पता है उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। और जब आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो ये जीडीपी तो सेम है, यहाँ मार्केट प्राइस है और यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। आपको पता है मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत और कारक लागत में आपका एनआईटी यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर होता है, और यहाँ बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो हम यहाँ माइनस करेंगे। तो आपकी जीडीपी एट एमपी आप ऊपर निकाल चुके हैं 550, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि आपका 5 है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 545। ब्रैकेट में मैंने बोला है आपको करोड़ लगाना, आप नहीं भूलिएगा अगर आपकी वैल्यू में करोड़ गिवन है। लैक है तो लैक लगा दीजिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स यहाँ डिडक्ट हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा कि बेसिकली हमने इस क्वेश्चन को करा कैसे। पहले हमने मेथड का नाम लिखा और उसका फॉर्मूला लिखा और वहां से वैल्यूज को उठा उठा के हमने इसकी जगह पे रख दिया। चलिए दोस्तों अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन और अलग अलग टाइप के हमारे पास बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जहां हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एमपी, यानी इस क्वेश्चन में हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की कैलकुलेशन करनी है। अब हम एक बार कॉम्पोनेंट देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या कॉम्पोनेंट गिवन है। तो पहला हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सरकारी अंतिम उपभोग जो 50 गिवन है। नेट इंपोर्ट यानी निवल आयात, या रखना आपको नेट को हम शुद्ध और निवल दोनों बोलते हैं, तो ये -10 गिवन है। आपको यह नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, जो कि है निवल देशीय अचल पूंजी निर्माण 60। आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी गिवन है 300। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है -5, और साथ के साथ क्लोजिंग स्टॉक आपको 8 गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी 8 गिवन है, डेप्रिसिएशन 12 गिवन है, और कॉर्पोरेट टैक्स 60 गिवन है। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ कौन सा मेथड लग रहा है। अगर आपने कॉम्पोनेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप जो सा मेथड लगाने वाले हैं ना, सबसे पहले ऊपर उसका नाम लिख देना कि कौन सा मेथड जो सा मेथड लगाने वाले हैं सबसे पहले। तो आप करना क्या, सबसे पहले उसका नाम लिख देना कि आप जो सा भी फॉर्मूला यहाँ लगाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है कि मैं कौन सा मेथड यहाँ लगा रहा हूँ। मैंने लिखा है बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड,
और एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिख दिया है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हमें कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं तो हमारा जीडीपी एट एमपी निकल कर आ जाता है। अब हमें करना क्या है, वन बाय वन करके इनकी वैल्यूज को क्वेश्चन में देखना है कि कहाँ कहाँ गिवन है। जैसा कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रहा आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि आपका 300 गिवन है, उसको आप यहाँ लिख लो गिव। अगला है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपको ध्यान क्या रखना है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लेना होता है, बट क्वेश्चन में आपको यहाँ नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो आप करोगे कि आपको साइड में इसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। आपको उसमें करना क्या होता है, आपको उसके अंदर दोस्तों आपको उसके अंदर करना क्या होता है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को कंपेयर करता होता है। जैसे यहाँ ग्रॉस वर्ड है या नेट गिवन है, तो आपको पता है कि अगर आप इसमें डेप्रिसिएशन और ऐड कर दोगे तो ये ग्रॉस बन जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है और यहाँ आपको कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। मैंने आपको बताया था कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट फिक्स और इन्वेंट्री दोनों में की जाती है, बट आपको क्वेश्चन में केवल फिक्स ही गिवन है। तो इन्वेंट्री निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हो, जो आपको मैंने साइन बना के दिखाया है इसे कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है जो चेंज को दर्शाता है। तो अब करना क्या है, आपको नेट डोमेस्टिक की फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 60 गिवन है वो लिख लेना है। डेप्रिसिएशन आपको यहाँ कितना गिवन है, 12, तो आपको 12 लिख लेना है। आपको पता है कि चेंज स्टॉक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 8 गिवन है, आप माइनस लगाओगे और ओपनिंग स्टॉक लिखोगे तो वो भी 8 ही गिवन है। तो अब आपको सॉल्व कर लोगे तो आपका 72 क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। तो जब आप इसको प्लस कर लोगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो जो कि आपका आ रहा है 72 करोड़। आप यहाँ भी करोड़ लगाना ध्यान से मत भूलिएगा। अब करना क्या है, 72 की जो आपकी वैल्यू निकाली है ना, उसको आप यहाँ रख दीजिएगा। जब आप पेपरों में करोगे ना इस क्वेश्चन को दोस्तों, तो पहले आप इसकी वैल्यू को ऑलरेडी पहले ही फाइंड कर लेना, उसके बाद बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड लिख के आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। आपको पता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना गिवन था आपको, 50 गिवन था, जो कि आपका सबसे ऊपर गिवन था। उसके बाद आपको लेना होता है नेट एक्सपोर्ट। अब दोस्तों यहाँ आपको ध्यान का रखना है कि आपको क्वेश्चन में जो नेट एक्सपोर्ट है वो नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन है, आपको नेट इम्पोर्ट गिवन है। तो जब भी आपको नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन हो, नेट इम्पोर्ट गिवन हो ना, तो आप जो है प्लस का साइन लगाते हो, इसको माइनस के साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और आपको क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट कितना गिवन है, -10 है, तो वो माइनस का 10 -10 ऑलरेडी एज इट इज लिख दिया जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने क्या बतलाया। अब आप इसको प्लस माइनस कर लोगे, इसको प्लस करोगे तो आपका आएगा 372 प्लस माइनस माइनस का होता है आपका प्लस, तो 50 प्लस 10 ये हो जाएगा आपका 60। और जब आप 60 को इसमें प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा, तो सर आपका आंसर निकल के आएगा, वो आएगा 432 करोड़। आप करोड़ लगाना मत भूलिएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर से क्या दोस्तों, आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया है? नहीं, आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने अभी निकाला है जीडीपी एट एमपी, जबकि आपको निकालना क्या है एनएनपी एट एमपी। तो अब आप उसको कन्वर्ट करोगे, आपको पता है कैसे कन्वर्जन किया जाता है, तो कन्वर्जन करने से पहले आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि आप कन्वर्जन किसको कर रहे हो। तो आप बड़ा बड़ा लिखोगे कन्वर्जन ऑफ जीडीपी एट एमपी इंटू एनएनपी एट एमपी। मैं आपको यहाँ लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है इस बात का। जिस चीज़ की आपको वैल्यू नहीं पता उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो, और जिस चीज़ की वैल्यू आपको पता है आप उसको करते हो राइट हैंड साइड लिखते हो। तो मैं वही कर लेता हूँ, और वन बाय वन आपको उसको कंपेयर करना है। तो पहला ये ग्रॉस है और ये नेट है, तो आप बड़े से छोटे पे जाओगे तो माइनस करोगे किसको, वो भी डेप्रिसिएशन को, यानी मूल्यह्रास को। ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, छोटे से बड़े पे जाओगे तो आप प्लस करोगे किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को। उसके बाद आपका क्या देखना है, ये मार्केट प्राइस सेम है, तो उसके अलावा आपको और चीज़ों को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब आप वैल्यूज को उठा के यहाँ रख दीजिएगा। जैसे आपका जीडीपी एट एमपी 432 गिवन है, आपका डेप्रिसिएशन कितना गिवन है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन था 12, तो आपने 12 रख दिया। आपको यहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो ये होता है ना आपका NFIA, ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बट आपको क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड गिवन है, यानी ये फ्रॉम ना देके टू दे रखा है। तो जो ये वैल्यू है ना ये माइनस में, आप इसको प्लस के साइन से ना शो करके आप इसको माइनस के साइन से शो करोगे, क्योंकि ये उल्टी वैल्यू गिवन है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी ही -5 हमें गिवन है, तो आप -5 -5 एज इट इज लिख दोगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी +5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है बोर्ड मास में पहले ऐड करते हैं, तो पहले आप इन दो वैल्यू को सॉल्व करना, तो 432 माइनस आपका माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो आपका आ जाएगा ये -7। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 425 करोड़। तो ये आपका जो आंसर है ना 425, ये आपका रियल आंसर है जो आपको पेपर में टीचर आपका चेक करेगा। आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे हमने बेसिक इस क्वेश्चन को करा है। पहले हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया, इस क्वेश्चन में ये यूनिक पॉइंट था कि यहाँ हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन थी, तो हमने उसके थ्रू पहले ये निकाला। और यहाँ हमें 2-3 चीज़ें और सीखने के लिए मिली कि अगर क्वेश्चन में हमें नेट इंपोर्ट गिवन होगा ना, तो उसको हम प्लस के साइन से ना शो करके माइनस के साइन से शो करेंगे,
और जैसे ही इस क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेते हैं, बट हमें क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन था, तो हमने माइनस का साइन एज इट इज लगा दिया और जो इनकी वैल्यूज होगी प्लस या माइनस पे उसको आप एज इट इज रख देना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेसिकली हमने इसमें कैसे करा। तो चलिए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। दोस्तों अपने आप टाइप टू के क्वेश्चन को देखते हैं कि टाइप टू का क्वेश्चन हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड में कैसा बन सकता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा है, आपको कैलकुलेट करना है नेट एक्सपोर्ट, यानी यहाँ आपको शुद्ध निर्यात की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको कॉम्पोनेंट क्या गिवन है, आपको गिवन है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, कितना गिवन है आपको 4200। अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपको यह नेशनल इनकम गिवन है, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है आपकी NNPATFC। एक तरीके से हमें यहाँ एक एग्रीगेट की वैल्यू गिवन है जिसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस। अगला गिवन है आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से प्राप्त कारक आय 200 गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है जिसको हिंदी में हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण कहते हैं, जो कि आपका 1100 गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है जो कि 2000 गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका 150 गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस 1200 गिवन है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 गिवन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, आपको बताना है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल किसका दूसरा नाम है कमेंट में वीडियो को पोस्ट करके। होप आपको पता होगा इसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो आपको डेप्रिसिएशन 100 गिवन है। प्रॉफिट आपको 500 गिवन है। अब आपने देखा होगा कि आपको नेट एक्सपोर्ट निकालना है, एक तरीके से आपको एक कॉम्पोनेंट निकालना है किसी मेथड का, और नेट एक्सपोर्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड में। तो यहाँ से हमें दिमाग में आया कि भाई ये क्वेश्चन जो है ना एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड में प्रॉफिट तो हम कहीं लेते नहीं हैं, ना ही हम कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस लेते हैं। तो एक तरीके से क्वेश्चन ने हमें पागल बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी हैं ताकि हमको लगे कि हमें इनके वैल्यूज को भी कहीं ना कहीं रखना है। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको उनके फॉर्मूले में जो कंपोनेंट्स आते हैं बस उनके बारे में सोचना है, उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट पेपर में गिवन है ना तो उनको नहीं देखना है। तो आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि पिछले जब हमने मैथड्स करे थे और बताया था जब भी ऐसा ही कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको एक कंपोनेंट की वैल्यू गायब कर दे, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि उस कंपोनेंट का आपको फॉर्मूला देखना है। जैसे अगर मैं आपको दिखाओ कि एक्सपेंडिचर मेथड निकालने का फॉर्मूला ये होता था हमारे पास, जिसमें हम सी लेते थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट लेते थे और GDP/MPU से निकल कर आता था। अब हम करेंगे क्या, क्या हम NNPATFC जो हमारे पास ये एग्रीगेट गिवन है ना, इस एग्रीगेट को हम GDP/MPU एग्रीगेट में कन्वर्ट कर देंगे जिससे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हमें क्वेश्चन में कंजम्पशन भी गिवन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी गिवन है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है। तो इन सब की वैल्यूज को हम यहाँ रखकर नेट एक्सपोर्ट की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा बेसिकली मैंने आपको यहाँ क्या समझाया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने NNPATFC को GDP/MPU में। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख लिया है कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं NNPATFC का GDP/MPU में। तो आपको पता है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है और जिसकी वैल्यू आपको पता है उसको राइट हैंड साइड लिखना होता है और वन बाय वन करके इसको हमें कंपेयर करना होता है। यह नेट गिवन है और यह ग्रॉस गिवन है, तो हम छोटे से बड़े पर जाते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेट और ग्रॉस में जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। मैं यहाँ डेप्रिसिएशन की शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेपर में फुल फॉर्म यूज़ करनी है। ये होता है आपका नेशनल और ये होता है डोमेस्टिक, ये होता है राष्ट्रीय और ये होता है घरेलू। आपको पता है नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो हम जब बड़े से छोटे पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पी से पी तो प्रोडक्ट होता है तो ये तो बैलेंस करने की जरूरत होती नहीं है। ये होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, ये होता है मार्केट प्राइस, इसे कहते हैं कारक लागत, इसे कहते हैं बाजार कीमत। फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, तो हम छोटे से बड़े पर जाते हैं तो प्लस करते हैं क्या NIT। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका फॉर्मूला आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको करना क्या है, आपको वैल्यूज को धीरे धीरे उठा के रख देना है। आपको NNPATFC पता है कितना दे रखा है 4200, तो आपको वो भी रख देना है। आपको डेप्रिसिएशन गिवन था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से जो कि 100 था, वो भी आपको यहाँ रख देना है। अगला आता है आपका NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि आपको क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे गिवन था, 200 आपको वो भी यहाँ रख देना है। अगला आता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि आपको फिफ्थ नंबर पे गिवन था 150, उसकी वैल्यू को भी आपको यहाँ रख देना है। अब जब आप इसको प्लस माइनस कर लोगे तो जो आपका आंसर आएगा ना वो होगा, और आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 4250 करोड़। आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है। आपको बेसिकली करना क्या है कि आपने क्वेश्चन में GDP/MPU तो निकाल लिया है, अब आपको ये फॉर्मूला लिखना है एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा और उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू को रखना है और वहाँ से नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू को निकाल लेना है। तो सबसे पहले करते क्या है, हम यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, आपको करना क्या है, GDP/MPU की वैल्यू रखनी है जो कि आपका 4250 गिवन है, और आपको पता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में कितना गिवन था जो रखा था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
2000 वो रखना है और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर रखना है जो कि आपको 1000 गिवन था, और साथ के बाद आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या फिर उसका दूसरा नाम जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं उसकी वैल्यू भी गिवन है और उसको भी यहाँ रख देना है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और हो सकती है कि वो क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधा ना देकर कोई दूसरी वैल्यू दे सकता है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए जो कि हम पिछले पार्ट में इसकी बात कर चुके हैं। और नेट एक्सपोर्ट आपको गिवन नहीं है तो आप नेट एक्सपोर्ट का नेट एक्सपोर्ट एज इट इज लिख दोगे। अब आपको करना क्या है, इन सबकी वैल्यू को प्लस करना है और इन सबको उधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जैसे 4250 है, आपको इनको प्लस करना है तो आपका इसको प्लस करने पर आएगा 4100। तो यहाँ से जो आपका नेट एक्सपोर्ट निकल कर आएगा वो आएगा आपका 150। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्वेश्चन में जो नेट एक्सपोर्ट हमारा निकल कर आया है वो कितना आया, हमारा 150 निकल कर आया है। आप इसके ब्रैकेट में करोड़ लगाना मत भूलिएगा, मे बी चांसेस है कि आपके मार्क्स इसे कट सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा बेसिकली कैसे हमने टाइप टू के क्वेश्चन को करा जिसमें हमें कॉम्पोनेंट की वैल्यू गायब थी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होना जिसमें आपको एक कॉम्पोनेंट की वैल्यू गायब हो तो सबसे पहले आप किसी एक एग्रीगेट की वैल्यू को कन्वर्ट करोगे उस वाले एग्रीगेट की वैल्यू में जो जिसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन चल रहा होगा, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे और क्वेश्चन की वैल्यू को फाइंड कर लोगे। तो बेसिकली हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड के दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक होता है सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमें सिंपल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू देश की नेशनल इनकम या फिर किसी दूसरे एग्रीगेट की वैल्यू निकालनी होती है, और सेकंड टाइप में हमें होता क्या है कि एक्सपेंडिचर मेथड के किसी एक कंपोनेंट को क्वेश्चन गायब कर देता है और हमें उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली कैसे एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।